डेटा चोरी होने के डर से पाकिस्तान सरकार ने सरकारी दफ्तरों में सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट जैसे ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है। इस योजना पर राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी अभी काम कर रही है। बता दें कि पाकिस्तान के नेशनल असेंबली की एक कमेटी ने प्रस्ताव दिया जिसमें सरकारी कार्यालयों में ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया वेबसाइट पर बैन लगाने की सिफारिश की गई है। NITB ने कहा कि व्हाट्सएप की जगह पर एक ऐसा नया सॉफ्टवेयर तैयार कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल सरकारी कर्मचारियों के लिए किया जा सकता है। ज़्यादातर बात व्हाट्सएप के जरिए की जाती है जिससे खास डेटा लीक होने का डर बढ़ जाता है। इस सॉफ्टवेयर की मदद से अधिकारी आसानी से एक दूसरे से बातचीत कर पाएंगे और डेटा भी लीक नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले में सरकार से कमेटी के चेयरमैन अली खान ने पूरा प्लान मांगा है। उनका कहना है कि इस तरह का कोई भी सिस्टम लागू करने से विपक्ष की तरफ से अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात उठ सकती है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस सॉफ्टवेयर के आने से सरकारी कर्मचारियों द्वारा काम के दौरान सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पूरी तरह से बैन लगने की संभावना है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।